दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी पल्ला से एक मामला सामने आया, कोई अब्बास अली है, पहले उसने एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, प्रेग्नेंट किया, उसके बाद केस हुआ, उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ, लड़की को उसने अपने घर में रखा और लड़की होली पर अपने परिवार वालों से मिलने गई तो उनके परिवार वालों को पीट दिया। देखते हैं क्या कहते हैं बजरंग दल वाले। जय श्री राम। विषय हमारा है भैया, क्यों आए हैं यहाँ पर मीडिया के सामने? आने का अपना एक ही कारण है कि जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर एक नाबालिग बच्चियों को जो टारगेट करके एक लव जिहाद जिसे नाम दे दिया ने इन्होंने, उस पर आज विषय रखने का एक सोचा है मन में। दूसरा धर्मांतरण, अब तक तो धर्मांतरण सिर्फ ये था कि गरीब परिवारों को टारगेट कर, अब तो रईसों को टारगेट और उन परिवारों को जिनके एक औलाद और जिनकी करोड़ों की संपत्ति, उनको धर्मांतरण। कारण धर्मांतरण का नहीं है, कारण यह है कि हिंदू समाज को कैसे क्षति पहुंचाई जाए, इस विषय पर आज हम आपके सामने बातचीत रखेंगे। ऐसे क्या केस आए हैं आपके सामने? आप ऐसे आपके पास ऐसा कुछ जो रिसेंट में आया हो? आप ऐसा एक नजदीकी केस अभी जल्दी में ही देखेंगे तो आपको अपने ओमेक्स हाइट बीपीटीपी का सबसे बड़ा केस आप सामने आया होगा, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक रईस एक रिच फैमिली को और वहाँ के इकलौती औलाद को टारगेट कर करके उन्होंने, और मतलब क्या है कि उसको वो जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा तब तक वो खाना नहीं खाएगा। इस तरह के मामले फरीदाबाद में एक नहीं है, अनेकों मामले हैं, कुछ दब जाते हैं कुछ सामने आ जाते हैं। अभी पल्ला वाला क्या मामला आया था? पल्ला में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी नाबालिग बच्ची 13 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दे, जिस बच्ची को ये नहीं पता होता कि ढंग से बोलना ढंग से चलना नहीं सीख पाती, वो बच्ची माँ बन जाती है। ये एक बात क्या हुआ उसमें पोस्को का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उस परिवार को भयभीत किया जाता है, डराया जाता है और डराने के बाद उससे फैसला करवा लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब होली पर वो अभी 2-1.5 साल का बच्चा होने के बाद जब वो बच्चा घर पहुंचते हैं और 1.5 साल का बच्चे वह घर में रहता है, होली पर उन परिवार के साथ में भाषा पूरा घर चढ़ करके, पूरा मुस्लिमों का पूरा परिवार चढ़ के उनके साथ मारपीट करता है, टॉर्चर करता है और उसमें फिर मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज में ये लेकिन अब ये देखो ना कि उनपे किस लिए, मतलब पहले तो आप लव जिहाद करो, फिर उसको आर्थिक रूप से हानि पहुंचाओ, दूसरी तौर पर परिवार को तोड़ दो, फिर उसके बाद उसे टॉर्चर करके दरार धमका करके उनकी सारी संपत्ति को, मतलब चाहते क्या है फरीदाबाद में हिंदू समाज? तो की है सर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम तो अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा। पुलिस के कल हम मिलेंगे सीपी साहब से, इसमें पूछना चाहेंगे कि इसमें गिरफ्तारियां अभी तक क्यों नहीं हुई। धाराओं में जो है ये बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है फिर भी गिरफ्तारी नहीं, भाई पूछेंगे ना कि कारण क्या रहा गिरफ्तारी ना होने का। प्रशासन ने अपनी तौर पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन गिरफ्तारियां क्यों नहीं, ये बारे में कल जानकारी उठाएंगे। पर हम तो समाज से पूछना चाहते हैं कि समाज कहां सो रहा है। हम अपने पड़ोस में बसाते हैं, हम अपने पड़ोस में रखते हैं, हम अपने किराएदार भी रखते हैं, लेकिन हम अपने किराएदार में रखने के बाद अपनी बहन बेटियों को इनके हवाले कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को इनके हवाले कर देते हैं, अपनी लगा लो सारी संपत्ति के साथ में इन्हें और साथ के साथ अपने बिजनेस का इनका वारिस बना देते हैं। भाई चाहते क्या है, मेवात बना दें इसे, फरीदाबाद का नाश कर दें। आज से आप पहले सन 1966 में इस हरियाणा का जब जन्म हुआ था, आप बजरंग दल वाले हैं सर, आप जागरूक कीजिए लोगों को। भाई जागरूकता के लिए आपका सहयोग जब तो लिया जा रहा है, आज आपका सहयोग लेने का हमारा उद्देश्य भी यही था कि आपके सहयोग के माध्यम से इस फरीदाबाद की जनता को बताया जाए कि भाई अपने पड़ोस में जिसे बसा रहे हो उसकी ये तो देखो कि वो सत्यता क्या है उसकी। यूजर्स तो ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आए, ऐसे में बजरंग दल एक्टिव हो गया, हिंदू मुस्लिम का मतलब आज ही दिखाई दिए क्या आपको? आज से पहले नहीं दिखाई दिए? भाई हिंदू मुस्लिम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपकी सुरक्षा हमारा उद्देश्य है। अगर आप ही नहीं रहोगे, अगर हिंदू समाज ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए बोलेंगे और किसके साथ खड़े रहेंगे? भाई ये फरीदाबाद है, यहाँ 92% हिंदू आबादी रहती है और हिंदू आबादी अगर आज सुरक्षित नहीं है 92% होने के बाद भी, तो भैया जिस दिन 60% रह जाएगी उस दिन तो बचेगी ना। लगातार कमेंट ये भी आते हैं हिंदूवादी सत्ता में है और फिर भी हिंदू खतरे में, सरकार बचाएगी या खाली बजरंग दल बचाएगा? स्वयं क्यों नहीं जागृत होते? जागृत तो हिंदू समाज को स्वयं होना पड़ेगा, अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी हमारी होनी चाहिए। जब हमने बच्चे पैदा करे तो बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी स्वयं की होनी चाहिए। माँ बाप को भी समझाना चाहिए ना भाई साहब? बिल्कुल समझाना चाहिए और माँ बाप को समझना भी चाहिए। पंकज जी एक तरफ नहीं मानते कि संस्कृति जो है खत्म होती जा रही है, जो संस्कार बच्चों में होने चाहिए थे वो संस्कार ना होने की वजह से विदेशी संस्कृति को बच्चे अपना रहे हैं और भारतीय की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
बड़े भैया आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इस संस्कृति का नाश हुआ है और संस्कृति जो डूबती जा रही है उसका कारण भी यही रहा है कि हमारा बच्चों से ध्यान चला गया। भाई घर में हमारे दो बच्चे हैं और उसके बाद मियाँ बीवी दोनों जॉब पे चले गए, ड्यूटी चले गए, घर में पड़ा बच्चा ही लगा ले मोबाइल पे लगातार लग रहा है, सोशल मीडिया से लग रहा है, सोशल मीडिया पर फैली हुई अश्लीलता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस उस अश्लीलता के साथ साथ में जो इंस्टाग्राम के जरिए जब वो अपनी वीडियोज डालते हैं, रील बनाते हैं, वहाँ वो मुल्लों के संपर्क में आ जाते हैं। जब मुस्लिम के संपर्क में आने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, फिर वो बच्ची कहाँ जाएंगी? समाज में क्या संदेश देना चाह रहे? समाज को तो अपना एक ही संदेश है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी निगरानियां रखें और जानकारी उठाएं कि बालक कर क्या रहा है। भाई सबसे पहले ये तो देखो कि आप ड्यूटी से आ रहे हो, घर आए, घर बच्चा वो पढ़ने गया था, पढ़ने के बाद उस बच्चे ने पूरे दिन क्या किया घर में, क्या उसके लगा लो ना, तो आपका बालक आज हिंदू संस्कृति के बारे में, मैं अभी आपको इस केस के बारे में बता देता हूँ। इस केस में जब उस बच्ची से ये पूछा गया कि बेटे तुम्हें ये लगा लो कि घर में आपको ये पता है कि घर में ये जो तस्वीरें लग रही हैं अपने देवों की तस्वीरें लग रही है, क्यों ना कि हमें मम्मी पापा ने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें समय नहीं है, सुबह उठते साथ ही रोटी बनाई और सीधे ड्यूटी निकल गए। बच्चों को महापुरुषों के बारे में तो पता नहीं है। बच्चों को महापुरुषों को छोड़ो जो उनको अपने देवी देवताओं को नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि होली और दिवाली क्यों मना रहे हैं। उन्हें तो इसने पता कि हुड़दंग मचाना है होली पे और दिवाली पे पटाखे फोड़ने, उन्हें ये नहीं पता कि त्योहार हमारा मना किस लिए रहे हैं। उन्हें इतना जरूर पता है जब किसी मुस्लिम के संपर्क में आए तो ईद क्यों मन रही है, उन्हें ये पता है कि ये लगा जब उसके मुस्लिम के संपर्क में आए तो वो क्या रहता ताजिया, वो ताजिया क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। मामले बढ़ने का कारण क्या समझ रहे हैं? मामले बढ़ने का कारण ये है कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी ना कराना और अभाव देना सबसे बड़ी चीज है कि हम अभाव में हम उन्हें पूरी चीज दे रहे हैं, 10,000 का 15,000 का मोबाइल तो दिला दे रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं बता पा रहे कि संस्कृति क्या है। भाई ऐसे कई केसेस आते हैं कि बहुत सारे जो है मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से भी शादी कर लेती हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं करते? और अगर हिंदू देखो क्राइम तो अलग बात है, जो नाबालिग लड़की को फंसाया है, उसको प्रेग्नेंट किया है, उसके माँ बाप के साथ मारपीट की है, वो तो अलग बात है। क्राइम के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है और आप लोग भी एक्शन लीजिए, लेकिन क्रॉस केसेस भी तो होते हैं। मैं आपके इसी सवाल का सबसे बढ़िया जवाब दूंगा, जिसके पास जो होगा वही तो चलाएगा। भाई मेरे पास अगर घर में पत्थर होंगे तो मैं पत्थर फेंकूंगा, मेरे पास कलम की ताकत होगी तो मैं कलम चलाऊंगा। हिंदू समाज की संस्कृति में आप ये बताओ बेटियों को पूजा जाता है या किसी और संस्कृति में? आप एक भी संस्कृति का नाम बता दो जिसमें बेटी को पूजा जाता हो। एकमात्र हिंदू समाज की संस्कृति है जिसके अंदर बेटी को, इसलिए हमारी आवाज नहीं उठती। जहां विश्व का कल्याण चाहता हो धर्म की और साथ में प्लस बेटी को बचाओ बेटी अभियान चलाते हैं, वो भी यही हिंदू संस्कृति है जहां से चलने शुरू होता है। लेकिन जहां पर बेटी को यूज करके काट दिया जाता है, निकिता जैसे हत्याकांड होते हैं और साक्षी जैसे मर्डर होते हैं, वहां पर आप ये कहते हो कि हम उस पर आवाज नहीं उठाते? अरे भाई इन बच्चियों का भविष्य सुधरता है यहां करके, तो वो बच्चियां जो कटने से बच जाती हैं, अरे तीन तलाक देखने को इनको यहाँ वहाँ मिलता है, बच्चियां यूज होती हैं, कभी बाप यूज कर रहा है, कभी माँ बेटा यूज कर रहा है, कभी उनका लगा ले फूफा यूज कर रहा है। भाई यूज एंड थ्रू से बचने के लिए ही तो हम कहते हैं कि लगा लो किस। तो आप तो इतना बड़ा संगठन है बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का, आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इस घटनाओं को? भाई अपना काम है जागृति का, फरीदाबाद के अंदर इतने केसे आने शुरू हुए, इन केसों के बारे में जागृति उदय हो और लोगों को पता चले कि भाई अपने अड़ोस पड़ोस में जो बस रहा है वो व्यक्ति है कौन। भाई अपना तो उद्देश्य ये कि समाज पहचाने कि हमने पड़ोस में किसे बसाया। भाई हमें ये तो पता लगनी चाहिए कि हम अपने पड़ोस में बसा रहे हैं वो जहर पल रहा है या अमृत पल रहा है। हमने दूध तो लिया है घर में लेकिन होता वो सफ़ेद कलर का ही, पता चली जहरी है। भाई पड़ोस में बसा रहे हो उसकी लगा लो सत्यता जानो कि वो पीछे से कहाँ से आया, कैसे आया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। कई ऐसे मामले भी आए जिसमें बजरंग दल जो है दूसरे धर्म को उत्साहते मतलब उनको मतलब एक तरीके से कहें कि मतलब उनको उत्साहता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक भेदभाव का आरोप है। हम किसी धार्मिक भेदभाव से नहीं रहते। मैं आपको बता दूं बजरंग दल के माध्यम से आपके कहता हूं, हमने शादियां कराई तो हम शादी कराते वक्त जब हमने कई बार बहू से ब्याह कराते हैं और जब सार्वजनिक विवाह कराते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि मुस्लिम लड़की है या मुस्लिम के समुदाय की शादी हो रही है। अगर मुस्लिम परिवार के शादी के लिए आते हैं हम उनकी भी शादी कराते हैं। हम धार्मिक भेदभाव नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि भाई हिंदू समाज का ही पतन क्यों, एक समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कभी ईसाई टारगेट कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर के, आप फरीदाबाद के अंदर सैकड़ों मामले देख लीजिए जिनमें धर्मांतरण, हिंदू बच्ची गरीब बच्ची देखी उसको ये लगा लो कि 150,000 का एक प्रलोभन दे करके उसको ये लगा लो कर दिया, प्लस एक रहीस बच्चा जिसकी ये लगा लो किसी इनके से अपाइज है उससे 2,00,000-5,00,000 रुपए इनके क्रिश्चनों द्वारा ऐठे जाते हैं और क्रिश्चियन फिर उसको ये लगा लो उन दोनों शादी करा कर। बताइए ये जो केस हुआ है पल्ला में जो नाबालिग वाला केस है, अब नाबालिग के साथ यौन शोषण हुआ, पोस्को लगी,
ठीक है केस हुआ, उसके बाद कंप्रोमाइज क्यों होगा ये तो बताइए, गलती इधर भी तो है भाई साहब। मान लिया मैं उस परिवार के, भाई एक बात बताओ, जिसका भय होगा भय बिन प्रीत ना होता है, और सबसे बड़ी बात है जिसका भय होगा उसका ही तो प्रकोप होगा। आप एक बात बताओ, उसके 50 व्यक्ति एक परिवार में, और वो बेचारे दो व्यक्ति, इतना छोटा सा बच्चा, दिन रात वो गर्दन कटती देख रहे हैं, कभी हिंदू की कहां गर्दन कट जाए, उन्हें भी तो अपने बच्चे का भला चाहना है, लोग फैसला ही करके काम चला लो, कदी लग लो यू बालक भी जाते हैं मेजोरिटी में होते हुए भी। भाई हम ना डर रहे, लेकिन वो बच्चा तो हमारे से, हमारे पास तो केस अब आया, ये हमने तो अब देखा है ना, लेकिन 2.5 साल पहले वो ना हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे, उनके अंदर तो भय का माहौल था, ये फैसला तो 2.5 साल पहले कर लिया था उन्होंने। लव जी याद गाना ऐसा हो रहा है हालात जैसे दिल्ली के अंदर, शास्त्री पार्क, करावल नगर, मौजपुर, जामिया, बटला हाउस, अब्दुल फजल, खड्डा कॉलोनी, ये कभी हिंदुओं के मोहल्ले होते थे, आज ये इस्लामिक जिसे कहते गजवाए मोहल्ला, गजवाए गली, गजला इस्लामीकरण हो गया। आज फरीदाबाद के अंदर जो फरीदाबाद के जो कह रहे हैं ना, मैं बहुत से फरीदाबाद के लोगों को जान रहा हूँ, बहुत से लोगों को देख भी रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 40 किले का मालिक हूँ, कोई बोलता है 50 किले का मालिक हूँ, कोई बोलता है मेरे पे 80 लाख रुपये रेंट आ रहा है। तो भाई तेरे 80 लाख रुपए रेंट आ रहा है तो तू कर क्या रहा है, तू धर्म के लिए देश के लिए क्या सोच रहा है तू? ये कई धरातल पे नहीं निकल रहे आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सोसाइटियों के अंदर हिंदू बच्चों को कैसे फंसाया जा रहा है, जिम के अंदर हिंदू बच्चों को फंसाया जा रहा है, फरीदाबाद की बता रहा हूँ मैं आपको, OMX टावर के अंदर हिंदू बच्चों को कैसे इस्लामीकरण करा जा रहा है, और जहाँ पर हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियाँ आकर के जिम कर रही है, वहाँ पर एक इस्लाम को, अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाला लड़का आता है, वो किस तरीके से 5-6 महीने में लड़की को फुर करके ले जाता है, समझ ही नहीं रहे। आज तुम जिसको अपने पड़ोस में मोहल्ले में बसा रहे हो तो आप ध्यान तो दो किसको बसा रहे हो आप भाई साहब। अगर जब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुसलमान हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, पत्रकार साहब अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, गंगा जमुना की तेजी में जब यूपी के अंदर दो बच्चों को गला रेत करके मार दिया जाता है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था ना, कहाँ गायब हो गए आप? मैं दिल्ली के पांडव नगर में 3 साल की बच्ची, किसको बोला था उसने, किसी के धर्म को गाली दी थी, 3 साल की बच्ची को एक 4 से 5 बंदों ने मिलकर के बलात्कार करा भाई साहब, 42 साल का आदमी भी था उसके अंदर, दिल्ली के पांडव नगर में, कहां गए हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले मुसलमान भाई, कहां गए? ऐसे में ये नहीं नहीं मानते विजय जी, हाँ जी, मतलब जो इस्लामिक संगठन है हाँ? उनको खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे टाइम पे इस्लामिक संगठन हो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, बजरंग दल के साथ खड़ा हो, बजरंग दल के नहीं, मैं कह रहा हूँ बजरंग दल के संगठन के साथ ना खड़ा हो, उस बच्ची के साथ तो खड़ा हो। कल वहां पर कम से कम लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, वहां पर एक मुसलमान व्यक्ति आकर के नहीं बोलता कि मेरे को दुख है कि इस बच्ची के लिए मैं आवाज बनूंगा। 3 साल की बच्ची कैसी होती है भाई साहब, 3 साल की बच्ची को उठाते टाइम पे भी गोदी में सोचोगे कि उसकी हड्डी ना लचक पचक हो जाए, उसके किस तरीके से उसमें एक 42 साल के बूढ़े जो मुसलमान था भाई साहब उसने बलात्कार करा है। विशेष समुदाय बोलना बंद करो आप लोग, हम इस्लाम को और मुसलमान को गलत नहीं बोल रहे, हम उनकी सच्चाई बता रहे हैं। सबने देखी, पूरे फरीदाबाद ने देखी, पूरे गुड़गांव ने देखी, और उस सर वो जो वहाँ पे नरसंहार हुआ वो सबने देखा, और उसके बाद जमीयत उलामा वहाँ के जो उस घटना के जो क्रिमिनल थे जिनको पुलिस ने सजा दी, जो जेल काट करके जो जमानत पे बाहर आए उनको 100-100 गज के प्लॉट देती है, 1-1 लाख रुपए उनको वैसे मुआवजा के तौर पे देती है और सार्वजनिक तौर पे देती है। उन्होंने तो ये कहा कि बजरंगी दल की तरफ से हमारे बहनों के लिए टिप्पणी की गई, भाई जिसने टिप्पण करी उसकी बात उसके वहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन हम ये बात कहते हैं बाहर नहीं जाते हैं, फरीदाबाद का मैटर है, फरीदाबाद में आपका कहना है लव जिहाद और धर्मांतरण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी, अब आप लोग इसकी ठेकेदारी लोगे या पुलिस प्रशासन पर सरकार पर छोड़ोगे, उनसे कोई मांग है तो बताइए। मैं पत्रकार साहब यहाँ बोलना चाहूंगा, हम कोई ठेकेदारी नहीं ले रहे, हमें फरीदाबाद की समाज का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। आज जो फरीदाबाद का आदमी 1 लाख के फोन और 20,000 रुपए के जूते और थार गाड़ी BMW जेगुआर पहन करके और टीन के डब्बे खा के जो बॉडी बनाता फिर रहा ना, हवाबाजी कर रहा है, उन हवाबाजों का भी हमें सपोर्ट चाहिए कि हम लोग इधर जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ धर्म की और देश की बात कर रहे हैं और सब समाज की बहन बेटी की बात करने आए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करने आए, हमें समाज का साथ चाहिए, समाज का साथ रहेगा तो प्रशासन का साथ रहेगा, जब प्रशासन का साथ रहेगा सबकी बच्चियाँ सेफ रहेगी भाई साहब, हमारा ये मैसेज है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जागरूकता इनका एकमात्र लक्ष्य है, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि लोग जो है अपने बच्चों को बचाएं, उनको समझाएं, अगर आप गलत आदमी के चंगुल में फंसोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परेशानी आएगी, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप लोगों को कुछ समझ में आया सर? हाँ बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया, नहीं सुन रहे थे ऐसे ज्यादा तो नहीं आया, और देख रहे थे कि जो कैसे क्या होता है, कुछ केसेस आ रहे हैं कि जो लड़कियां हैं फंसाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है,
प्रेग्नेंट भी कर दिया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा ये मुद्दा उठा रहे हैं बजरंग दल वाले हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है दोस्तों, आदमी दो तरह के होते हैं, गलत और सही। कई बार जो है जो लड़कियां होती हैं गलत लड़कों के चंगुल में फंस जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कई बार उनका धर्मांतरण भी हो जाता है और उसके बाद जो परेशानी आती है वो परेशानी कई बार हम लोग दिखाते भी हैं। जब लड़कियां सामने आती हैं और बताती हैं भैया हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो, तो ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसके लिए जागरूक रहें, सावधान रहें और बचे रहें। बस यही कहना है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।